मैंने अमेजोन से एनसीईआरटी निचोड़ और क्यू पेन परचेज़ की थी। तो पहले हम एनसीईआरटी निचोड़ की बात करते हैं। इसके अंदर एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, कॉन्सेप्ट में बनाए गए हैं, जिससे हमारा टाइम सेव होता है। एनसीईआरटी को रिवाइज करने में वरना बहुत टाइम लगता है। ये सब कुछ शॉर्ट में दिया है, तो इसको याद करने से एनसीईआरटी बिल्कुल हम जल्द से कर सकते हैं। और नीट का कोई क्वेश्चन वैसे भी एनसीईआरटी से बाहर आएगा नहीं, तो इसको रिवाइज करने पर हम नीट का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद इसके पीछे क्यूआर कोड वगैरह हमें अवेलेबल करवाया गया है, तो ये अगर हम परचेज़ करेंगे तो बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। उसके बाद एनसीईआरटी बायोलॉजी की क्यू बैंक आई थी, जो भी मैंने परचेज़ की थी। तो जो बायोलॉजी निचोड़ के अंदर जो थ्योरी थी, इसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है सारे। और एनसीईआरटी को रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन सफिशेंट है, तो ये भी बहुत अच्छी है, मैंने ये करके देखी है। तो नीट में इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आएगा। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये दोनों बुक्स अपनी प्रिपरेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि मुझे अपनी प्रिपरेशन में इससे बहुत हेल्प मिल रही है और इससे मार्क्स भी बहुत अच्छे इंक्रीज होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी रिवाइज इन दोनों से बहुत अच्छे से हो सकती है।